नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह प्रोक्तर आचार्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। ई लेक्चर की अगली कड़ी में कल का जो हमारा विषय था वो था PR 303 एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले फ्लेक्सोग्राफी का जो इतिहास है उसको एनीलिंग प्रिंटिंग क्यों कहा जाता था और कैसे उसका नाम फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग पड़ा, ये तो हमने समझने की कोशिश की। आज हम इस मशीन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक वेब हेड मशीन का एक स्कीमेटिक डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, जिसमें आपने दोनों तरफ एक तरह के, एक तरफ तो आपको इनफिट दिख रहा है और दूसरी तरफ आउटफिट या रिमाइंड दिख रहा है, और बीच में दो यूनिट्स हैं जिसके ऊपर आपके सिंगल साइड एक तरफ पे प्रिंटिंग हो रही है, ऐसा ये डायग्राम शो कर रहा है हमें। इस डायग्राम के हिसाब से जो फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग मशीन होती है, वेब प्रिंटिंग मशीन, उसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला इनफिट एंड टेंशन कंट्रोल, दूसरा प्रिंटिंग एंड ड्राइंग, तीसरा आउटफिट एंड रिमाइंड। इनफिट एंड टेंशन कंट्रोल का मतलब यह है इनफिट रोल जहाँ पे आप लगाएंगे, सब्सट्रैक्ट का रोल जिसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, और टेंशन का मतलब किसी भी वेब मशीन में, वो चाहे वेब ऑफसेट मशीन हो, वेब ग्रेवियर मशीन हो या वेब फ्लेक्सोग्राफिक मशीन हो, कोई सी भी मशीन है, वेब के अंदर वेब की टेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वेब टेंशन में नहीं रहेगी, इनफिट और आउटफिट आपके प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे, तो आपकी वेब बीच में से कहीं लूज़ हो जाएगी या फिर टाइट हो जाएगी। लूज़ होने पर क्या होगा, लूज़ होने के ऊपर उसकी प्रिंटिंग सही नहीं होगी, वो प्रिंटिंग रोलर्स के आपस में चारों तरफ लपट जाएगी, और अगर टाइट टेंशन हुई तो वो वेब बीच में से टूट जाएगी। तो ये टेंशन का बड़ा इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। और जो आप मल्टी कलर प्रिंटिंग करते हैं, तो मल्टी कलर प्रिंटिंग में भी टेंशन के अगर आपकी एक्यूरेट नहीं होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि आप एक से अधिक कलर प्रिंट कर रहे हैं एक के ऊपर एक, तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी आपका प्रॉपर नहीं बैठेगा। ये सिद्धांत सभी वेब मशीनों में लागू होता है, चाहे वो तीनों में से कोई सी भी प्रिंटिंग प्रोसेस की हो, चाहे फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस हो, चाहे ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस हो, या फिर आपका ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस हो। अब रही बात मशीनों के प्रकार की, कि फ्लेक्सोग्राफिक मशीन मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं और दोनों में मेजर डिफरेंस उसके इनफिट यूनिट का होता है। ये जो आपको डायग्राम बताया जा रहा है, ये जो इनफिट यूनिट है ये वेब वाली है, यानी कि वेब यानी कि एक रोल आपको वहाँ लगाना है, उस रोल की एक जो रोल आपका निकलेगा उसकी एक सरफेस पर आप प्रिंटिंग करेंगे, ये होता है वेब सिस्टम। दूसरा होता है इनफिट सिस्टम में शीट फेड सिस्टम, यानी कि एक कटी कटाई शीट आपको लगानी होगी और शीट के एक तरफ प्रिंटिंग होगी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क ये है कि मान लीजिए कोरोगेटेड बॉक्स हैं आपके, कोरोगेटेड बॉक्स के ऊपर आपको प्रिंटिंग करनी है, तो कोरोगेटेड बॉक्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, 2-3 mm के कोरोगेटेड बॉक्स होते हैं। कोरोगेटेड बॉक्स वही हैं जिसमें आपके घर में TV पैक होके आ रहा है, या फ्रिज पैक होके आ रहा है, या वॉशिंग मशीन पैक होके आती है, तो चारों तरफ जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के ऊपर भी प्रिंटिंग होती है, उस पर उस कंपनी का ब्रांड नेम, लोगो वगैरह कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, वो प्रिंटेड होता है, स्टिकर तो नहीं होता है, सब प्रिंटेड होता है, तो उसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे की गई, तो उसके लिए शीट फेड फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग मशीन्स का हम यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सोग्राफिक मशीन की इनफीड यूनिट की। जैसा कि हमने देखा कि जो फ्लेक्सोग्राफिक मशीन है उसके मुख्यतः मशीन डिज़ाइन के हिसाब से वो दो प्रकार की हो सकती है, पहली हो सकती है वो आपकी वेब फेड, दूसरी हो सकती है शीट फेड। वेब फेड मतलब हुआ कि उसमें एक रोल लगेगा और रोल के आगे उस रोल के एक तरफ प्रिंटिंग होता रहेगा, एक उसका इनफिट होगा और एक उसका रिवाइंड होगा, यानी इनफिट में से रोल में से निकलेगा वेब और रिवाइंड में जाके वो वापस रोल हो जाएगा, जैसा कि अपन ने पिछले स्लाइड में जो हमारे पास डायग्राम था वो वेब फेड मशीन का। दूसरी होती है शीट फेड मशीन्स। शीट फेड मशीन्स हैवियर स्टॉक्स पर प्रिंटिंग करने के काम आती है, जो कि ओनली पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ शीट फेड फ्लेक्सोग्राफिक मशीन के लिए। जैसे मान लीजिए कोरोगेटेड बॉक्स जो हम पिछले में डिस्कस कर रहे थे, अब कोरोगेटेड बॉक्स को अगर हम पूरा खोलें, अगर हम किसी फ्रिज के कोरोगेटेड बॉक्स को हम पूरा खोलें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इतनी बड़ी मशीन ऑफसेट पर तो प्रिंटिंग होना संभव नहीं है। दूसरा, ऑफसेट प्रिंटिंग पर आप जब भी काम में लेते हैं तो पेपर काम में लेते हैं, पेपर की तुलना में उस बॉक्स की मोटाई कई गुना ज़्यादा है, तो इसलिए कोरोगेटेड बॉक्स पर जो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन है प्रिंटिंग का वो है शीट फेड। कोरोगेटेड बॉक्स पे जो प्रिंटिंग करने का ओनली सोल्यूशन उपलब्ध है वो शीट फेड फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन्स का। तो इनफिट यूनिट के हिसाब से जो मेजरली दो डिफरेंस हुए, पहला वेब इनफिट यूनिट वाला, दूसरा शीट फेड इनफिट यूनिट वाला। इनफिट यूनिट, द मेजोरिटी ऑफ फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग इज डन ऑन रोल फेड मटेरियल्स सच एज फिल्म, फॉइल एंड लेमिनेट यूज फॉर फूड, मेडिकल, सैनिटरी पैकेजिंग मटेरियल्स।
जो मेजोरिटी फ्रैक्सोग्राफिक प्रिंटिंग की जाती है वो रोल फेड मटेरियल्स पे की जाती है। इन मटेरियल्स के उदाहरण हैं फिल्म, प्लास्टिक फिल्म जिसको हम सेलोफिन कहते हैं, और BOPP है, CPP है, फॉइल है, लेमिनेट्स है, जिनका यूज़ किस में आता है, फूड पैकेजिंग में, मेडिकल में, सैनिटरी आइटम पैकेजिंग करने में। शीट फेड फ्लैक्स ऑल्सो पॉसिबल एंड इट एंड इज़ द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर प्रिंटिंग थिकर मटेरियल सच ए कॉरूगेटेड बोर्ड। शीट फेड फ्लैक्स भी पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग में काम आती है थिकर मटेरियल्स, कॉरूगेटेड बॉक्स जैसे थिकर मटेरियल्स पर प्रिंटिंग करने के लिए। एज विद अदर वेब सिस्टम, द फ्लैक्स ऑफ इनफिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रोल स्टैंड विथ सम टाइप ऑफ टेंशनिंग डिवाइस। दूसरी चीज़, वेब सिस्टम में जो होता है वो इनफिट के साथ एक टेंशनिंग डिवाइस भी लगा हुआ होता है रोल स्टैंड में। द रोल स्टैंड टिपिकली ऑपरेट्स द कंजक्शन विद द डांसर रोलर एंड ब्रेक टू द कंट्रोल वेब सिस्टम। इस रोल स्टैंड में टिपिकली एक कंजक्शन डांसर रोलर लगा होता है, जो कि डांसर रोलर उस वेब को जो निकल रही है उस वेब की टेंशन को कंट्रोल करता है। ये डांसिंग रोलर जो मूवमेंट करता है वो अपनी एक एक्सेस पे जुड़ा रहता है और दाएं बाएं मूवमेंट करता है। अगर रील ज़्यादा चली गई तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, रील धीमे जा रही है तो थोड़ा लूज़ हो जाएगा। शीट फेड फ्लेक्सोग्राफिक इनफिट यूनिट्स आर नॉट फॉर डिफरेंट फॉर दोज फाउंड ऑन शीट फेड ऑफसेट प्रेसेस एक्सेप्ट दैट द शीट फेड फ्लेक्सो इनफिट सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू फीड हैवियर स्टॉक देन इज जनरली फेड थ्रू ऑफसेट प्रेसेस। शीट फेड फ्लेक्सोग्राफिक फीडिंग यूनिट्स को केवल और केवल उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है जो कि हैवियर स्टॉक कॉरूगेटेड बॉक्स की तरह जो होते हैं उन पर एक तरफ प्रिंटिंग करने के लिए। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। ऑफसेट प्रिंटिंग में जो हम पढ़ते हैं कि प्लेट सिलेंडर होता है, ब्लैंकेट सिलेंडर होता है, इंप्रेशन सिलेंडर होता है, इनके बीच में बहुत ही कम जगह होती है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती है और कागज़ पास हो जाता है, मतलब कागज़ पास हो सके, कागज़ की मोटाई जितना हमें पता है कागज़ की मोटाई कितनी होती है उतना कागज़ पास हो सके उतनी ही होती है। ऐसी स्थिति में हम कॉरूगेटेड बॉक्स उस पर नहीं छाप सकते, हम क्राफ्ट पेपर छाप सकते हैं। लेकिन ये जो शीट फेड फ्लेक्सोग्राफी फीडिंग यूनिट्स हैं इसमें बकायदा इतनी जगह होती है, इतनी थिकनेस, इतनी जगह छोड़ी जाती है कि उतनी मोटाई थिकनेस का कॉरूगेटेड बॉक्स पूरा आर पार निकल जाए और सिर्फ इंप्रेशन अपने ऊपर ले। तो मुझे लगता है आपको इनफिट यूनिट का मेन कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। हालांकि पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर यूज़ आ रहा है और ज़्यादातर जो रोज़गार अवेलेबल है वो फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में वेब में ही उपलब्ध है, पर चूँकि कई कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको अब कॉरूगेटेड बॉक्स को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कॉरूगेटेड बॉक्स में देखा जाए तो हम आज कोई भी आप आइटम खरीदें कॉरूगेटेड बॉक्स में पैक होकर आता ही है। तो अगर मान लीजिए अगर हम किसी रेफर्स का पैकेट का बॉक्स ही खरीदें तो उसके अंदर आपको वो रेफर्स के तो पैकेट 12 मिल जाएंगे जो प्रिंटिंग से हुए होंगे फ्लेक्सोग्राफी से या ग्रेवियर से, लेकिन जो बॉक्स होगा वो आपको फ्लेक्सोग्राफी वाला ही मिलेगा जिसको प्रिंट किया हुआ होगा कंपनी का ब्रांड। तो आज आपका जो लेक्चर है ये यहीं ख़त्म होता है। कल हम आगे का जो प्रिंटिंग यूनिट है वो डिस्कस करेंगे, यानी कल हम आपका दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। हफ्ते में जो आपको दो दिन अलग अलग जो तीन विषय हैं मेरे पास वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।